आसो तुम जाला होय नमस्कार तो दगड़ियों अब इस गांव का मंदिर आ चुका है इधर ये मंदिर जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर निकल लिया है धीरे धीरे अपने मंद मंद कदमों से डांस करते करते यहाँ से निकल लिए और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला शूट बहुत प्यारा लगता है और इसी शूट के लिए मैं यहाँ से बांके में आए घर से ये वाला शूट होता है ना बहुत ही प्यारा शूट होता है जब बाहर निकलती है तो उस समय सारे गाँववासी डांस करते हैं तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। तुम जला आओ आओ बाबा आओ डांस करते करते आ रहे हैं। अब पता है कि नौजवान का काम ही क्या है डांस करना और खूब सारा एंजॉय करना और अभी आ रहे उधर डांस करते करते अब ऐसा बढ़िया। तो अभी देख सकते कि ब्रा जो थी ना वहाँ पे थी वहाँ से ब्रा निकली अभी और यहाँ पहुँच चुकी है। यहाँ पे अभी डांस कर रहे लोग गांव की औरतें भी है ना क्योंकि वो औरतें तो वहाँ जाएंगे नहीं कुछ कुछ लोग जाएंगे जाएंगे नहीं उधर तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे डांस कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं और शाम को अभी वापिस दिन की बारात है अभी वापिस आ जाएगी बारात उसमें भी बहुत सारा इंजॉयमेंट देखने को मिलेगा आपको। तो दगड़ियों अब इस गांव का मंदिर आ चुका है इधर ये मंदिर गांव का और दूल्हे राजा यहाँ से जाएंगे उधर के लिए मंदिर में दर्शन करेंगे भगवान के क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है हर गांव में ये चीज़ होता है कि पहले मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं उसके बाद दुल्हन को लेने जाते हैं बारात साथ में चलती है। तो अभी ये जा रहे हैं मंदिर में तो उनको जान देते हैं हम चलते इधर के लिए।
मेन रोड पहुंच चुकी है और सभी बराती यहाँ पहुंच चुकी है। उसके बाद यहाँ से बस में बैठेंगे और यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए, और तो सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, मतलब बढ़िया सर। तो अब सारे बराती यहाँ पहुंच चुके हैं और ऊपर पर थोड़ा बहुत दो चार कुछ लोग रह चुके हैं ऊपर, वो भी आएंगे नीचे। उसके बाद इसी में गाड़ियाँ यहाँ बैठ के उसके बाद निकलेंगे आगे के लिए। बारात पहुंच चुकी है फाइनली। हाँ और दी तुम्हें तो यहां से आप बारात निकाल लिया नीचे के लिए, मेन रोड से नीचे के लिए जा रही है बारात अब।